फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिस्प्ले एड्स के बारे में, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि ये होते क्या हैं। डिस्प्ले एड नाम सुन के तो लगता है कि हाँ, जिसमें हम ऐड डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसका सिंपल वर्ड्सों में, सिंपल मीनिंग में आपको बताऊंगा कि होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। छोटा सा वीडियो लेकिन काफ़ी नॉलेज से भरा, देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ? दिखाना, कुछ ना कुछ दिखाना। एडवर्टाइजमेंट का मतलब आपको मालूम है। एडवर्टाइजमेंट कैन बी कॉल्ड एनी प्रमोशनल एक्टिविटी विच इज़ डन टू सेल द ब्रांड और एटलीस्ट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट सो दैट इट कैन कंपेल द पीपल टू बाय, टू परचेज, टू स्पेंड मनी। तो वो होती है एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एड यानी कि एड्स डिस्प्ले करना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में घूमेंगे तो वहाँ पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बिलबोर्ड्स लगे हैं, वो भी एक तरीके की डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है। जब आप किसी मार्केट में घूम रहे हैं, दुकानों के ऊपर जो बोर्ड्स लगे हैं, वो भी एक डिस्प्ले एड्स ही हैं, उन्हीं का एक टाइप है। लेकिन जब हम ये डिस्प्ले एड की बात करते हैं तो ये टर्म जनरली यूज़ की जाती है इंटरनेट डिस्प्ले एड्स के लिए, यानी कि डिजिटली जो हम एड्स डिस्प्ले करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग एप्लीकेशंस पे, तो उन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इस टर्म का यूज़ होता है। तो अगर आप डिस्प्ले एड टर्म सुनें तो समझ जाइए कि डिजिटल एसेट्स, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की ही बात हो रही है। यहाँ पर वो फिज़िकल जो बोर्ड्स दुकानों के ऊपर लगे होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। इंटरनेट पर जो डिजिटल एड्स दिखाए जाते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। बैनर का साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक रेगुलेशन है कि क्या जेनरिक साइज होना चाहिए, क्या अलग अलग साइज होने चाहिए अलग अलग एसेट्स के लिए। डिजिटली बैनर्स, आपका टेक्स्ट को आप कॉपी भी कहते हैं, डिजिटली इसको कॉपी भी कहा जाता है। फ्लैश बैनर्स, वीडियोस, अलग अलग तरीके के एसेट्स जब मैं कह रहा हूँ, यानी कि डिजिटल एसेट्स, डिजिटल क्रिएटिव्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट करी जाती है मल्टीपल वेबसाइट्स पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। डिजिटल एड्स यानी कि डिस्प्ले एड्स की दुनिया में जो सबसे बड़े प्लेयर हैं मार्केट में वो हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ऑफकोर्स गूगल डिस्प्ले नेटवर्क अकेला ही 80% ऑफ द मार्केट को रीच करता है। उसके बाद नंबर आता है फेसबुक का और फिर ट्विटर का। तो ये तीन हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली अपनी अपनी पोजीशंस होल्ड करते हैं। ट्विटर का और फेसबुक का मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे जाके ये थोड़ा बहुत गूगल को खाने वाले हैं, लेकिन गूगल तब भी मार्केट को डोमिनेट करेगा व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि गूगल ही सब लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इन द लास्ट 6 to 8 ईयर्स जो ट्रेंड चला है, डिस्प्ले एड्स पहले ज़्यादातर वेबसाइट्स पे चलते थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा शेयर सर्च इंजन्स ने ले लिया, यानी कि सर्च इंजन पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग दिख जाती है, डायरेक्ट उनके एड्स दिख जाते हैं। तो इसकी वजह से गूगल के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, क्योंकि सबसे बड़ा सर्च इंजन भी गूगल ही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डिस्प्ले एड्स का, तो बहुत ही आसान है। आप सभी फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक पर जब आप जाते हैं और आप अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट वहाँ पर एज एन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो डिस्प्ले एड है। आजकल अगर आप कोई भी फ्री गेम अगर आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो जो उसमें बार बार नीचे की तरफ कुछ एप्लीकेशन की या कुछ किसी और गेम का आपको एड दिखता है, तो वो एक तरीके की डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है। डिस्प्ले एड्स अलग अलग साइज़ के बैनर्स, कभी रेक्टेंगुलर, कभी स्क्वायर, अलग अलग कॉपी के साथ आपके सोशल मीडिया पेज पर फ्लैश होते रहते हैं, ज़्यादातर राइट और टॉप की तरफ, वो सब डिस्प्ले एड का एक एग्जांपल है। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट काम कैसे करती है। डिस्प्ले एड्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा बिजनेस है, वो चलता कैसे है।
डिस्प्ले एड्स को समझने के लिए ऑफ कोर्स पहले इसके गोल को समझिए। गोल बहुत ही आसान है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट इसलिए करी जा रही है ताकि उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप उस ब्रांड को बेच पाएं, ब्रांड अवेयरनेस बढ़े। लेकिन बहुत सारे सब गोल्स हैं जो क्रिएट किए जा सकते हैं। सब गोल्स के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो कैंपेन टू कैंपेन डिफर करते हैं। कोई अपने प्रोडक्ट की कोई एक USP को प्रमोट करना चाहता है, कोई किसी पर्सनैलिटी को प्रमोट करना चाहता है, तो अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। लेकिन मोटा गोल यही है कि हाँ भाई, एक ब्रांड को प्रमोट करना है सो दैट यू कैन सेल एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। डिस्प्ले एड्स काम कैसे करते हैं? देखिए, इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसेस है। एजेंसीज होती हैं बकायदा जो कि इस काम में स्पेशलाइज्ड होती हैं। उन एजेंसीज के पास जो पहला डिपार्टमेंट इसमें जो स्टेप लेता है वो होता है कस्टमर सक्सेस मैनेजर। ये एक डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर सक्सेस एक टीम होती है, इसका एक डायरेक्टर होता है। ज़्यादा लोग हो सकते हैं इसमें, छोटी बड़ी टीम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एजेंसी। इनका काम होता है क्लाइंट्स के साथ बात करके उनके अकाउंट्स को विन करना, राइट, ऑर्डर्स लेना उनसे, राइट, उनको बताना कि आप कितने काबिल हैं एड्स मैनेज करने में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनके गोल्स सुनना कि भाई एक एक जो कंपनी जो ऐड करवाने में इंटरेस्टेड है उसके क्या गोल्स हैं, उसको क्या अचीव करना है, उन गोल्स के हिसाब से उनको एक पैकेज ऑफर करना। तो ये काम होता है सेल्स, आप इनको सेल्समैन कह लो, ये कस्टमर सक्सेस मैनेजर होते हैं, वैसे ये तो सोफिस्टिकेटेड नेम ये है, लेकिन इनका काम होता है बेचना। तो ये बेचते हैं, उनसे ऑर्डर लेते हैं, एक कैंपेन का एक कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हैं, टर्म वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कैंपेन वाइज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, राइट, जिसको प्रोजेक्ट कहा जाता है। जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो फिर बात आ जाती है क्रिएटिव टीम के पास। अब ये टीम होती है असली टीम जो कि इस एड क्रिएशन पे काम करती है। एड्स, जो भी आप एड देखते हो उस पर, जो भी आप टेक्स्ट पढ़ते हो, कॉपी पढ़ते हो, उसमें इमेज होती है, टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा होता है, कुल मिला के इतनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है इस टीम को कि जो कोई भी उस ऐड को देखे वो उसके साथ इंगेज करे, वो ऐड इतना कंपेलिंग लगना चाहिए कि यूज़र उस पर क्लिक करे, क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ख़रीदे। कुल मिला के मेन गोल तो यही है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट के अलावा जो नेक्स्ट रोल होता है, जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है, वो काम होता है मीडिया प्लानर का। मीडिया प्लानर, नाम से ही पता लग रहा है कि किस टाइप का रोल होना चाहिए। मीडिया अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि डिस्प्ले एड आपका किसी वेबसाइट पे चल रहा है या किसी ऐप पे चल रहा है। वेबसाइट पे चल रहा है तो कौन सी वेबसाइट पे चल रहा है, कितना चल रहा है, किस वक्त चल रहा है, किस एज ग्रुप के लिए चल रहा है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये पूरी की पूरी मीडिया स्ट्रैटेजी कौन करता है? मीडिया प्लानर। तो वो ये एक प्लान बनाता है कि भैया कौन से एज ग्रुप में, कौन सी ऑडियंस को, कौन से प्लेटफॉर्म पे, यानी कि कौन सी वेबसाइट पे, कौन सी ऐप पे मैं कौन सा ऐड चलाऊं, किस टाइप का ऐड चलाऊं, बैनर चलाऊं या कोई फ्लैश मैसेज चलाऊं या कोई वीडियो चलाऊं, किस टाइप का ऐड मैं कितना चलाऊं जिससे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल सके, राइट, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग रेट होगा। किसी एसेट के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, हो सकता है वो किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पर हो, कोई मशहूर वेबसाइट अपना आपका ऐड अपने फ्रंट पेज पे दिखा रही है, अपने हीरो बैनर की जगह दिखा रही है, तो उसका पैसा आपको अलग देना पड़ेगा। अगर आपका ऐड सिर्फ किसी सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए बहुत ही लिमिटेड फ्लैश हो रहा है तो उसका पैसा थोड़ा सा अलग होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस उससे निकल कर आए, कम से कम एसेट्स में या एक दिए गए बजट में। ये बजट हमेशा लिमिटेड होता है, एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी करवा रही है, जो क्लाइंट है, वो एक बजट के साथ आता है, वो कहता है इतना बजट है मेरा और उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। तो मीडिया प्लानर ये सारी प्लानिंग करता है कि भाई कहाँ कहाँ ऐड चलना चाहिए जो हमको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सके। इसके बाद थोड़ा बहुत जो रोल होता है वो होता है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा जो रोल होता है वो होता है एड्स ऑपरेशंस का। तो ऑपरेशन टीम में जो ट्रांजैक्शनल सारे के सारे काम होते हैं कि भाई एक एसेट जब बन गया, जब एक क्रिएटिव बन गया, तो उसको एड सर्वर में अपलोड करना है, जितनी भी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो ये इंश्योर करना हो कि हाँ भाई अपलोड होने के बाद, एड सर्वर में अपलोड होने के बाद वो एड वाकई एक्चुअल में कस्टमर को सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज़ को ओवरलुक करती है ऑपरेशनल टीम।
इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ ऐड सर्वर। ऐड सर्वर के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ऐड सर्वर जैसा कि नेम आपको बता रहा है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सर्व द एड्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। तो ऐड सर्वर का काम होता है मोटा मोटा ऐड सर्व करना मल्टीपल वेबसाइट्स पर, ठीक है। ये काम इतना मैनुअली हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ज़माना तो है नहीं कि एक दो वेबसाइट पे आपने ऐड दिखाया और हो गया। यहाँ पर एक मार्केटिंग जो प्रोजेक्ट होता है, एक ऐड जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें जब आपके पास डिजिटल एसेट्स आते हैं तो देर आर मल्टीपल रूल्स दैट यू नीड टू अडहेयर टू गेट द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आउट ऑफ दैट ऐड कैंपेन। ऐड सर्वर कई वेबसाइट्स पे आपके ऐड शो कर सकता है और अलग अलग रूल्स के साथ कर सकता है। इन सब के लिए एक ऐड सर्वर, एक कंप्यूटर की ज़रूरत हो सकती है ताकि एड्स एफिशिएंटली मैनेज किए जा सकें। कॉन्फ़िगरेबल रूल्स के ऊपर ये ऐड सर्वर काम करता है। रूल्स हो सकते हैं कि कौन सी डेट पे ऐड चलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, कौन से एज ग्रुप को कौन सी मैसेजिंग दिखानी है, कौन सा ऐड दिखाना है, कितने साइज़ का ऐड कौन सी वेबसाइट पे चलेगा, वेबसाइट पे चलेगा या ऐप पे चलेगा। तो इस तरीके के दुनिया भर के रूल्स होते हैं और इन्हीं रूल्स के ऊपर ये ऐड सर्वर काम करता है। तो दोस्तों अब ये ऐड सर्वर यहाँ पे काम कर रहा है, तो अब चीज़ें ये कहने का ज़रूरत नहीं है कि अब एक ऑटोमेटेड फैशन में होती हैं। एक बंदा रजिस्टर लेके नहीं बैठा है कि मेरे को यहाँ पे इस वेबसाइट पे उस वेबसाइट पे ऐड दिखाना है। अब जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बिजनेस को, स्पेशली डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क को मैनेज किया जाता है, वो जो टेक्नोलॉजी है उसको, उसके कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रोग्रामेटिक डिस्प्ले नेटवर्क। इसमें होता है एक डिमांड साइड सर्वर जिसके साथ एक एडवर्टाइज़र डायरेक्टली काम करता है। अगर आपकी आपको किसी भी चीज़ का अगर आपको ऐड कैंपेन चलाना है और मल्टीपल वेबसाइट्स पर चलाना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर वेबसाइट से इंडिविजुअली डायरेक्ट रिलेशनशिप रखो, उनसे बात करो कि भाई तू कितने लेगा, तू कैसे दिखाएगा, तू इस सब की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने एड्स को एफिशिएंटली चलाने के लिए, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेने के लिए और एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, जो कि आसान भी है, आप डायरेक्टली सिर्फ एक एजेंसी से बात करते हो, एक डिमांड साइड प्लेटफॉर्म से बात करते हो जो कि ये एड्स टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करते हैं, और सारा का सारा काम आपके लिए एक ऑटोमेटेड एफिशिएंट स्ट्रीमलाइन मैनर में करते हैं, जिससे आपको बस एक ही डायरेक्शन में डील करना होता है और मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपका एड एफिशिएंटली चल सकता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले एड्स के बारे में। अगर इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगेगा और आप शेयर कर सकते हो इसको अपने पीयर्स कलीग के साथ भी। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल ज्ञान वाले वीडियोज़ मेरे चैनल पर बनते रहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।